सब्जी की दुकान लगाने को लेकर हुए विवाद में चार भाइयों ने अपराधी युवक को मौत के घाट उतार दिया मंगलवार की शाम सदर के वारदात से दहशत फैल गई मृतक अक्षय किशोर निर्मले बताया क्या मृतक अक्षय कुमार निर्मले उम्र 23 साल संभाजी का सामाग मस्का साथ बताया जा रहा है आरोपी रितेश वर्मा उसके भाई निखिल वर्मा सुमित वर्मा और राजू वर्मा है चारों कलम नाम में रहते अक्षय के खिलाफ हत्या सहित अन्य मामले भी दर्ज है उसने दो साल पहले नायक तालाब के कुख्यात गुंडे की भी हत्या की थी वह अपने भाई के साथ मंगलवारी बाजार में सब्जी की दुकान लगाता था आरोपी वर्मा बंधु भी सब्जी की दुकान लगाते हैं। एक भाई चाय बेचता है वर्मा बंधु का मंगलवारी बाजार में दबदबा है वह किसी के भी मार्ग में बाधा बन जाते हैं। अक्षय भी अपना दबदबा बनाने में जुटा हुआ था कुछ दिन पहले एक सब्जी विक्रेता की बीमारी ऐसी मृत्यु हुई थी अक्षय ने उस जगह के बदले में मृतक के परिजनों को पैसे दिए थे वह उस जगह पर भाई के लिए सब्जी की दुकान लगाना चाहता था इसका पता चलने के बाद से वर्मा बंधु संतप्त थे उन्होंने एक हफ्ता पहले अक्षय को वहां दुकान लगाने पर हत्या करने की धमकी दी थी इसके बाद भी अक्षय ने दूसरी जगह पर सब्जी की दुकान लगा ली इसे वर्मा इससे वर्मा बंधु आग बबूला हो गए अक्षय का आपराधिक रिकॉर्ड होने से उन्हें खुद के लिए खतरा नजर आने लगा शाम के साढ़े सात बजे अक्षय बाजार में सब्जी बेच रहा था उस वक्त ग्राहकों की भी काफी चहल पहल थे इस दौरान हथियार से लेस वर्मा बंधु अक्षय के पास पहुंचे उन्होंने अक्षय को हथियार से गोद डाला उस मौके पर और उसे मौके पर ही ढेर कर कर फरार हो गए उस वक्त बाजार में काफी चहल पहलते दुकानदार और ग्राहक वहां से गायब हो गए वारदात का पता चलने पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची उसने अक्षय को मेयो अस्पताल पहुंचाया जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया बीते पाँच दिनों से लगातार हत्याओं की घटनाएं हो रही है इससे नागरिकों में भी खलबली मची हुई है अधिकांश वारदातें तात्कालिक विवाद अथवा पुरानी रंजिश के चलते हुए जान गवाने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के ही है अपराध और अवैध धंधों के रोकथाम के लिए पुलिस ने सख्त मुहिम भी चलाई है ऐसे में हत्याएं होना गंभीर है सदर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जाँच में पुलिस जुट गई है कैमरा पर्सन विशाल बम्बटवार के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट बी सी एन न्यूज नागपुर